एक पैकेट 4 रुपए का 60 रुपए 300 गुबाड़े 200 पीस 900 रुपए में आपको गुलाल के पड़ने वाले भाई। 40 रुपए का एक पीस पड़ने वाला है, 20 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा वोडाफोन वाला। पैकिंग देख लो भाई कितनी प्यारी पैकिंग है इसकी, हर्बर गुलाल की 120 रुपए का टैंकर पड़ने वाला है। फ्रीज तो भाई देखो होली की जान होती है, 220 रुपए का एक टैंकर पड़ने वाला है। हल्का सा पानी लेना और उसमें मिक्स करके लगा देना, 130 की पड़ने वाली है। पिचकारी आप देखो, ये नया कुछ आया है वैरायटी में, तो ये बहुत बिक्री हो रही है इसकी। पीपनी आगे शहनाई टाइप वाली, क्या प्राइसिंग होने वाली है इसकी। देखो बम भी आगे गुलाल बम, तोता कलर है जैसे, मतलब 120 रुपए का 12 डब्बे पड़ने वाले आपको। यहाँ से अगर आप जलाओगे इसको सामने जाके लगेगा सीधा, और ये फटके निकलेगा पूरा गुलाल इनके अंदर से। भाई 390 वगैरह पूरी दिल्ली में कहीं मिल जाए ना, मेरा नाम बदल दो। 25 का ये 30 का पड़ने वाला पर पीस 140 रुपए। भीम भाई देखो पहन के भी दिखा रहे हैं, भीम भाई ऐसे सूट कर रहा है यार आप। हाँ तो जी, आज हम आ गए हैं सदर बाजार में छाबरा जी की दुकान पर, और आज मैं आपको न्यू वैरायटी का होली का स्टॉक दिखाने वाला हूँ, जैसे कि पिचकारी, गुलाल, हर्बल गुलाल, गुब्बारे, स्प्रे, ग्रीस, कलर और बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के बाद। हाँ तो जी, आज हम आए हैं सदर बाजार छाबरा जी की दुकान पे, जो बहुत फेमस है ग्रीन पटाखों की वजह से। उन्होंने ग्रीन पटाखे स्टार्ट करे थे पूरी सदर बाजार में। तो आज आपको दिख रहा होगा कि मैं होली की वीडियो बनाने हूं, तो पूरा आज होली का स्टॉक दिखाऊंगा आपको, छोटी से छोटी वैरायटी से लेकर बड़ी से बड़ी वैरायटी तक। तो आज हमारे साथ भीम भाई है, तो भीम भाई सबसे सस्ती पिचकारी से स्टार्ट करो आप सबसे पहले। जो है 156 रुपए दर्जन, 156 रुपए दर्जन कितने तक की पड़ जाएगी? 13 रुपए का एक पीस, ये देख सकते हो छोटा पीस है काफी, 13 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा ये। उसके बाद ये पिचकारी आती है ऐसे वोडाफोन वाले, उसमें कितने रुपए का एक पीस पड़ेगा? 20 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा ये वोडाफोन वाला। और कितने रुपए दर्जन? 240 रुपए दर्जन। और एक आया पनघट में, ये वाला ये पनघट में आया, ये कितने रुपए का पड़ने वाला है? 180 रुपए दर्जन पड़ने वाला है, एक पीस 18 रुपए का, 18 रुपए का एक पीस पड़ने वाला है। थोड़ी वैसे पिचकारी गन टाइप वाली पिचकारी दिखाओ आप, इसी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 480 रुपए दर्जन, 40 रुपए का एक पीस पड़ने वाला है, ये देख सकते हो। ये बच्चों के लिए होती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इधर, ये छोटे छोटे टैंकर आ गए जैसे लड़कियों के लिए टैंकर आ जाते हैं। ये कितने लीटर वाले टैंकर होते हैं? इसमें 1 लीटर आएगा, 1 लीटर पानी आ जाएगा इसमें, देख सकते हो पूरा। ये कितने प्राइसिंग में पड़ने वाला है? 220 रुपए का एक टैंकर पड़ने वाला है। ये देखो आयरन मैन टाइप में आगे थोड़ा टैंकर वाला, ये आधे लीटर का टैंकर है कम से कम। कितने रुपए का पड़ने वाला है? 120 रुपए का टैंकर पड़ने वाला है आपको। और बाकी इससे बाद थोड़ा बड़े उसमें चले जाते हैं वैरायटी में हम, तो ये सारे आ जाते हैं भीम टाइप वाले, ये डायनासोर वाले, ये सब देख सकते हो। ये कितने प्राइसिंग में पड़ने वाले भाई? ये 325 रुपए का। कितने लीटर का है? 2 लीटर का पड़ने वाला है, 325 का। और ये वाली पिचकारी ये सामने रखिए, 65 रुपए पीस पड़ने वाला है इस पिचकारी का। कितने लीटर का होता है पीछे का टंकी? ये आधे लीटर की पेप्सी की टंकी पड़ने वाली है आपको, 65 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा ये। सस्ती फिर अगर सस्ते टैंकर चाहिए तो बहुत ही, फिर ये पड़ने वाले हैं 80 रुपए पड़ेगा, 80 रुपए का एक टैंकर, बहुत मतलब हल्की क्वालिटी में होते हैं ये भी, 80 रुपए के सारे 80। और ये आपको 90 रुपए पड़ेगा, ये 90 रुपए के आते, थोड़ी अच्छे प्रेशर टाइप में आगे से देखो प्रेशर बना सकते हो आगे इसमें। ये वाली कितने की पड़ने वाली है? जो पाइप टाइप वाली पिचकारी, अच्छा आगे से उसका वो भी चेंज हो जाता है, मतलब चेंज करने का ऐसे फुहारा बन जाता है इसमें वाले नहीं। कितने की पड़ने वाली है ये पिचकारी? 130 की पड़ने वाली वाली पिचकारी आप लोगों। और ये वाली जो रखी हुई यहाँ पे 70 रुपए का पीस पड़ने वाला है ये, एक ये गुब्बारे फुलाने के लिए बड़ी मदद कर सकता है इसमें, देख सकते हो। मेरे पास नया मॉडल आया है, वो भी एक नया मॉडल आया इसमें, ये देख सकते हो सांप की बीन आ गए भाई, इससे आप होली पे नाग बन सकते हो, दुनाले टाइप हो गए। अच्छा बजा के दिखाने एक बार। तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेरा। तो ये देख ले भाई, ये बीन की तरह बजी भी जाती है और पिचकारी भी काम करती है, और दुनाली है पूरी। अच्छा हाँ देखो, ये नया कुछ आया है वैरायटी में, तो ये बहुत बिक्री हो रही है इसकी, और ये मतलब बहुत ही एक दो स्टॉक पड़ा है कम से कम। बाकी ये देख सकते हो आगे से जैसे मैं बात कर रहा था। अच्छा ये पीपनी आगे शहनाई टाइप वाली, अच्छा बच जाती है बांसुरी टाइप में हो गई, तो मतलब ये नया मॉडल आया है, आज से वाले इस टाइप की पिचकारी नहीं देखी भाई मैंने, पूरा देख सकते हो। कितने प्राइसिंग में पड़ने वाली भाई? 110 रुपए की पड़ने वाली है शहनाई वाली पिचकारी। तो इसमें क्या नॉर्मल पानी भरता है, इसके अंदर गुलाल होता है? अच्छा अच्छा, और खेतों में भी है ना। हाँ अच्छा अच्छा, क्या प्राइसिंग होने वाली है इसकी? 180 रुपए का पड़ने वाला है आपको। देखो तो अंदर चल के थोड़ा आप देखते हैं, बड़ी बड़ी पिचकारी ऐसे होती है, तो ये देख सकते हो गुब्बारे फुलाने वाले हो गए, नॉर्मल गैस वाले गुब्बारे फुलाने के। इतना डिमांड है इसका, इतना डिमांड है। अच्छा अच्छा, बाल को आपको जैसे दोस्त आएगा ना दोस्त, उसको अच्छा अच्छा अच्छा, पानी पिलाने के लिए ग्लास से, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसको, है ना, पानी भरोगे ना उस जगह पानी, उसको रंग डालोगे कलर बन जाएगा अपने आप ही। दिखाना ऐसा है क्या इसमें? तो ये देखो ये नया डिजाइन आया है, आपको लग रहा है नॉर्मल ग्लास है कोई, मतलब अच्छी क्वालिटी का, पर ये पानी डालोगे इसके अंदर अपना गुलाल में रंग बदल लेगा अपना, एक तरीके से कलर बन जाएगा इसके बेस में भाई, कुछ हैवी से लग रहा है, कलर वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर, कुछ नया मॉडल आया है। क्या प्राइसिंग होने वाली इसकी? 300 रुपए का डब्बा है, 300 रुपए का डब्बा। और कितने पीस?
दस पीस होते हैं 300 रुपए का डब्बा। और देखो डिजाइनिंग में भी अच्छी है, ये देखो बम भी आ गया, गुलाल बम पीले रंग का बम है, तो इसे जलाएंगे तो फट जाएगा, जलाओगे तो फटेगा नहीं, ये कलर उछलेगा। अच्छा कलर उच के, अच्छे अच्छे फुहारे की तरह कलर निकालेगा, अनार की तरह सॉरी। किसी एक का तो हो रहा है, अच्छा ये फॉग खोल के दिखाना इसको, फॉग को मतलब छाबरा जी की दुकान पे आपको ना एक से एक वैरायटी मिल जाएगी सामान की। ग्रीन पटाखे का तो अलग स्वाद है, पर लेकिन इन... जो ग्रीन पटाखा जो बनाए ना हमें, हाँ वो छाबरा जी ने इन्वेंट करा है पूरी इसमें सदर बाजार में। ये क्या है भाई, ये थोड़ा समझाओ मेरे को। ये जो फॉग होता है, फॉग यहाँ पे जलाओगे आप कलर निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटो शूट के टाइम पे, अच्छा लोग यू पकड़ के साइडों से बनाते हैं, ये वो फॉग टाइप का है। ये भी देखो कलर है, कौन से कलर है, मतलब इसमें 10 है, इसमें अलग अलग कलर है, रेड है, ग्रीन। अच्छा 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 अच्छा, नॉर्मल वाले कलर खोलने से भाई, थोड़ा ऐसे डिब्बिया वाले कलर होते हैं मतलब पानी में मिला के जो लगाते हैं, ये देख लो भाई ये पूरे डिब्बी वाले कलर है, तोता कलर है जैसे, मतलब हल्का हल्का हम पानी में मिला के लगाते हैं। कितने रुपए का डब्बा पड़ने वाला है भाई ये पूरा? 120 रुपए का 12 डब्बे पड़ने वाले हैं आपको, पर हेड मान लो 12 रुपए का एक डब्बा पड़ने वाला है, कहाँ मिलेगा इतना सस्ता आपको? ये दिखाओ थोड़ा डिमांड में जो है पबजी आजकल, पबजी दिखाओ पहले। पबजी टैंकर है, इसमें कलर मिल जाएगा आपको, कलर मिल जाएगा। ये फौजी आ गया अक्षय कुमार वाला, क्या कितने लीटर वाली होने वाली है? 3 लीटर की, 3 लीटर की, क्या प्राइसिंग? 300 रुपए का, इतना सस्ते में आपको मिल जाएगी आपकी फेवरेट पबजी की। देखो टैंकर आर्मी गन, इसमें क्या है? इसमें है मतलब रंग होता है। अच्छा जलाओगे सामने मारोगे सामने। अच्छा अच्छा, यहाँ से अगर आप जलाओगे इसको सामने जाके लगेगा सीधा, रंग होता है इसके अंदर आर्मी गन। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग खुद के हैं इनके भाई, मतलब बहुत ओके की वैरायटी मिल रही है सारे इनमें सामानों में। यहाँ पे ये भी पिचकारी है, निकाल के दिखाना इसको। तो भाई ये नई पिचकारी आई है छाबरे जी की दुकान पे स्पेशली, ये क्या पिचकारी होने वाली है थोड़ा समझाओगे? गुलाल है, जैसे सामने बुलाएगा ना उसको खाली फंस करेगा। अच्छा अच्छा, पानी मगर गुलाल है। तो दोबारा हम गुलाल भर सकते हैं इसमें? बिल्कुल भर सकते हैं। कितने रुपए का पीस पड़ने वाले? 170 का। और ये इतने अलग और मॉडर्न टाइप की पिचकारी मैंने सिर्फ यहीं पे देखी है, बाकी पूरी सदर घूम के आ गया मैं, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिली। ये देखो ये अनार बम आ गए, बम हम जैसे दिवाली पे खरीदते हो फटते हैं, इनमें से गुलाल निकलता है। आप एक पीस खोल के दिखाना इसका, ये देख सकते हो ये पूरा नीला कलर भरा हुआ है इसमें, इनको आग लगाना है बस और ये फटके निकलेगा पूरा गुलाल इनके अंदर से। कितने रुपए का पीस पड़ने वाला है? 110 रुपए का पूरा डब्बा पड़ने वाला है 3 पीस का। तो भाई लोग अब तुम्हें दिखाता हूँ पिचकारी जो होती है बड़ी बड़ी, जो डिमांड में रहती है कम से कम इतनी बड़ी बड़ी पिचकारी तुम्हें अब दिखाता हूँ। पहले ये देखो छोटी कितनी मॉडर्न टाइप वाली पिचकारी लग रही है, प्रेशर वाली है, प्रेशर यहाँ से 2 मीटर के रेंज होता है, 2 मीटर का 2 मीटर तक रेंज होता है। यहाँ से देखो प्रेशर बनता है इसका ऐसे करके, 2 मीटर दूर तक ये प्रेशर मार सकता है। कितनी लीटर की टंकी होती है? 1 लीटर की, देखो इतनी बढ़िया और कितनी दिखने में भी सही लग रही है। ये देखो भाई ये मीडियम साइज में, कितनी जैसे देसी बॉयज वाले गाने में थी अक्षय कुमार ने पकड़ रखी थी वही सेम पीस है। ये आगे से प्रेशर है मेरे ख्याल से लंबी 4 मीटर कम से कम भाई, 4 मीटर आप लगा सकते हो। 3 लीटर का टंकी है, कितने प्राइसिंग भाई? 390 वगैरह पूरी दिल्ली में कहीं मिल जाए ना मेरा नाम बदल, 390 में इतनी सस्ती पिचकारी मिल जाएगी। और इसकी क्या प्राइसिंग होती थी ये? 200 रुपए 390 क्या करवाऊंगा। ये तो भाई देखो और बड़ा टैंकर आ गया, कितना बड़ा टैंकर होने वाला है? 4 लीटर का। और देखो ये इसका ये होता है इससे प्रेशर बनाती है, और एक एक्स्ट्रा प्रेशर है इसमें, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्रेशर दे रखा है। कितना प्राइसिंग पड़ेगा? 450 भाई, 450 रुपये मिलेगी आपको कहीं और पे नहीं, पे मिलेगी सिर्फ और सिर्फ छाबरा जी की दुकान पे। तो भीम भाई अब जरा मेरे को यार आप गुब्बारे दिखा दो, गुब्बारे कैसे कैसे हैं आपके पास? देखो ये सबसे सस्ती है गुब्बारे, सबसे सस्ती ये 60 रुपए है, 60 रुपए का पूरा पैकेट। हाँ, ये 30 पैकेट है इसमें। अच्छा 30 गुब्बारे हैं एक पैकेट। अच्छा अच्छा, 30 पैकेट है इसमें, और एक पैकेट में कितने गुब्बारे? इसमें मैंने गिनती नहीं किया, देखने से ही लग रहा है यार 10 तो होंगे मुश्किल से मुश्किल। तो मतलब तुमसे देख सकते हो 60 रुपए में तुमको कितने 300 गुब्बारे मिल रहे हैं, 60 रुपए में 300 गुब्बारे 40 रुपए का। और क्वालिटी भी ऐसी नहीं कि भाई लोकल क्वालिटी के, आगे से टूटी से फटे हुए होंगे पूरे, देख सकते हो क्वालिटी भी जेन्युइन क्वालिटी है एक नंबर। और एक वो दिखा दो जैसे आजकल चल बहुत रहे हैं, वो जिसे पाइप में लगाओ एक बार में 10-12 निकलते गुब्बारे, ये देख सकते हो। इसको सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, आपके घर में अगर नलके वगैरह है तो सीधा उसमें फिट करो और सीधा एक बार में 10-12 गुब्बारे निकलते हैं इसके अंदर से, 120 गुब्बारे। ये खुलेगा तो निशा से? नहीं, सील पैक है, और अगर सील पैक नहीं होता तो मैं खोल के दिखाता किस तरीके से काम करता है। तो भीम भाई ने मेरे को बताया कि हर्बल गुलाल भी कुछ करके आते हैं, तो वो दिखा रहे हैं मेरे को इस टाइम पे। और पैकिंग देख लो भाई कितनी प्यारी पैकिंग है इसकी हर्बल गुलाल की, दिखाना भाई थोड़ा कैसे कैसे होते हैं ये बताओ मेरे को हर्बल गुलाल। ये देखो ये हर्बल का है, देखो ये देख सकते हो हर्बल गुलाल है वाला, ये किसी मुंह पे लगाओगे नुकसान नहीं करेगा, और फ्रेगनेंस भी काफी अच्छी है भाई इसकी, और नुकसान वगैरह कुछ ज्यादा मुंह पे करता नहीं है बहुत ही, मतलब ये देख सकते हो
बहुत ही मतलब एक टेलकम की तरह है ये पूरा, आप मान सकते हो। 40 रुपए डब्बी, 480 रुपए दर्जन। और ये क्या पैकिंग करा रखी है आप? पैकिंग है, किसी को गिफ्ट कर सकते हो आप। वो तो है, देखो होली पे जैसे आजकल जैसे दिवाली में हम मिठाई गिफ्ट करते हैं, वैसे आप होली पे आप गुलाल भी गिफ्ट कर सकते हो। और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? छाबरा जी की दुकान पे। ये भी हर्बल की, देखो हर्बल की पूरी डिब्बी मिल रही है आपको। क्या प्राइसिंग रहने वाली है इनकी? 180 रुपए। फ्रूट के बेसिस पे देखो आपको वैसी फ्रेगनेंस आएगी जैसे फ्रूट जैसा जो भी बना हुआ होगा। और ये देखो ग्रीस, तो भाई देखो होली की जान होती है। जो जो नए नए बच्चे आते हैं जो होली खेलना सीखते हैं वो भाई ग्रीस से सीखते हैं। क्या प्राइसिंग रहने वाली है इस? 60 रुपए। ये देखो ग्रीस है, ओरिजिनल ग्रीस। ये तेल वाली है या पानी वाली है? ये जो सूखा लगाओगे ज्यादा बेटर है। ये देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो भाई सूखी ग्रीस। इसको बस कुछ नहीं करना, हल्का सा पानी लेना और उसमें मिक्स करके लगा देना। और ये चेहरे का आपको बना देती है रोबोट, पूरा सिल्वर मुंह बना देती है। दांतों में भी रगड़ दो। भाई भीम भाई मेरे को ये चीज बताओ कि ये क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आता। ये स्प्रे है, स्प्रे कॉक ब्रांड का स्प्रे है ये। ग्लू ग्लू नाम है भाई इसका। ये कितने वाला पड़ने वाला है? पर पीस 140 रुपए। कैसे मतलब काम करता है ये? खाली इसको खोलना है और स्प्रे मारना अपने आप। अच्छा, सिर्फ इसको खोलना है और यू दबाना है। ये एक बार ही खुलता फिर बंद नहीं होता? ये खत्म हो गया फिर इसको। अच्छा, अगर ये एक बार ही खुल गया तो फिर सीधा खत्म ही है भाई। फुट मंगाया। और ये नया देखो छावरा जी ने भाई ऐसे ऐसे आइटम रखे हैं, अपनी दुकान में बता नहीं सकता। ये मुकुट बनाया है भाई इन्होंने ताकि भाई बंदे का मुंह खराब ना हो और कुछ दिक्कत ना हो मुंह पे। तो ये कितने का मुकुट पड़ने वाला है? 40 रुपए का। अलग अलग टाइप के मुकुट मिल जाएंगे। किंग कॉन्ग का मुकुट मिल गया आपको। भीम भाई देखो पहन के भी दिखा रहे हैं। भीम भाई ऐसे सूट कर रहा है यार आप। तो भाई देखो होली में जो लड़के होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? बच्चे तो ग्रीस गुलाल ये सब लगाते हैं, पर मेरे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो भाई इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। इस टाइप की चीजें हो गई, ये हो गया। भीम भाई थोड़ा स्प्रे दिखाओ कैसे। भाई एक प्रेशर में इतना स्प्रे निकल गया इसका। और उसका देखो थोड़ा टेक्सचर भी वैसा नहीं, क्रीम टाइप वाला हल्का टेक्सचर है इसका। तो क्या प्राइसिंग में पड़ने वाला है? थोड़ी होली की जो जान होती है गुलाल वो दिखा दो मेरे को एक बार। ये जो गुलाल है ना, ये गुलाल हाँ मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के गुलाल हैं। ये जो है ना कार्टून, लोगों कार्टून बंद कार्टून 200 रुपए कार्टून आ गए। उसमें कार्टून मतलब क्या होता है? कार्टून मतलब होता है पेटी। पेटी कितने निकलते हैं उसमें? पेटी में होगा 200 पैकेट। 200 पैकेट, 200 पैकेट। और एक कार्टून कितने का पड़ने वाला है? 900 रुपए कार्टून। 900 रुपए का एक कार्टून पड़ने वाला है। कितने निकलते हैं उसमें? 10 पैकेट। 200 पीस होगा। 200 पीस 900 रुपए में आपको गुलाल के पड़ने वाले भाई। यहाँ से भाई छावरा जी की दुकान से सामान लेके जाओ और अपना बिजनेस खोलो। कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। ₹450 पैकेट। ₹450 की एक पैकेट। एक पैकेट 4 रुपए का? 4 रुपए। भाई तुम यार मजाक मत करो यहाँ पे। ये 10 पैकेट है। 10 पैकेट कितने? 40 का पड़ने वाला है। 40 का। तो भीम भाई अब मेरे को आप एक बात क्लियर कर दो, जैसे कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के यहाँ पे आना चाहता है, छाबरा जी की दुकान से सामान लेना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो वो किस तरीके से आ सकते हैं? देखो पहली बात ये है, मेरा दुकान नंबर है 851 कुतुब रोड, ठीक है? 851 कुतुब रोड, कुतुब रोड, कुतुब रोड। ये बगल में चौक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी से पूछो कि छावरा जी के पास जाना है, ठीक है? अच्छा, तो छोटा बच्चा भी छोड़ देगा। मतलब वही वाला सीन है टाइगर श्रॉफ वाला कि नाम पूछ लो छावरा जी उंगली पकड़ के दुकान तक छोड़ेगा। अब जैसे मतलब कुछ कार्ड वगैरह है आपका? कार्ड है, ये हमारा कार्ड है। तो ये देख सकते हो छावरा जी की शॉप का कार्ड है। यहाँ पे नंबर वगैरह जो कुछ भी आप वो लेके बात कर सकते हो, कैसे कैसे दुकान खुली है और कितने कितने दुकान खुली रहती है। भाई भीम भाई ऐसे मतलब दुकान आपकी कब तक खुली रहती है? मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक होते हैं। 8 बजे तक। और कौन कौन से दिन पे खुली होती है? अगर सीजन का काम करते हैं रेगुलर होता है मेरा। रेगुलर जैसे मेरा सदर बाकी दिन बंद होती है, वैसे मंडे संडे कोई सीन नहीं, रेगुलर। तो कभी भी भाई आपको यहाँ पे होली का सामान लेने आना हो ना, मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा छावरा जी की दुकान पे आना। इतना वैरायटी का सामान मिलेगा जितना वैरायटी का सामान आपने देखा नहीं होगा। और भाई सस्ती मिलेगा, सबसे सस्ता 4 रुपए का गुलाल का पैकेट मेरे को बताओ कहाँ मिल रहा है दिल्ली में? इतनी बड़ी बड़ी पिचकारियां आपको कहाँ मिल जाएगी? कहीं नहीं मिलेगी छावरा जी की दुकान के अलावा। तो होली का सामान, दिवाली का सामान, रक्षाबंधन, जिस मर्जी का सामान हो, सीजन के वाइज आप यहाँ पे आओ और छावरा जी से मिलो, भीम भाई से मिलो और सबसे सस्ता सामान लेके। और सबसे बड़ी बात है कि हम बम पटाखा खुद करते हैं और खुद बनाते हैं। और वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है, सबसे पहली बात क्वालिटी का सामान मिलता है। जैसे कॉक ब्रांड हो गया, खुद के इनकी मैन्युफैक्चरिंग का सामान हो गया। तो यहाँ पे आओ, सारा क्वालिटी लेके जाओ, ठीक है भाई? आ जाओ भाई सदर, सदर सदर, तुम भी आ जाओ भाई सदर। भाई अब देखो मेरे को लाइक करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी मेरी। भाई बहुत मेहनत लगी है, तुम्हें पता लग रहा होगा सदर में आना कितना मुश्किल है। और भाई भीड़ भी बहुत हो रही है, सीजन चल रहा है तो इस वजह से बहुत भीड़ हो रही है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्त यार में जिन्हें होली का सामान लेना है। और यहाँ पे आओ सदर छाबरा जी की दुकान पे, आ जाओ सामान लेके जाओ, अपना बिजनेस खोलना है इनका होली के स्टॉक का वो खोलो, जो कर जी करना है वो करो।
पर मेरे को नहीं पता, ये वीडियो लाइक करो, फैला दो जितना हो सकता है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार तुम लोगों ने क्या कर रखा है, 2000 सब्सक्राइबर नहीं करा पा रहे तुम। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पर लाऊं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देख रहे हैं शिवेश के ब्लॉग। टिल देन स्टे स्ट्रांग एंड लव यू ऑल। खत्म।